वकार को हम इस व्लॉग में गिफ्ट भी देंगे और बहुत सारी चीजें सरप्राइज भी देंगे। जी शाही, कैसी पिक्चर आई है? जब ये बनेंगे मजा ही आ जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, हम सफर को जो है समझे। ये नवाबशाह से आए हैं, हर बंदा लड़ रहा है। स्टेज तक के पहुंच चुके हैं शाही को लेके। कब आई आप? कितना छोटा सा एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इसमें सिर्फ नाम होगा। चले इसको खोलते हैं। चले खोलते हैं, सब देखिएगा कि इसमें क्या है। Assalamualaikum, welcome back to new vlog। आज का व्लॉग जो है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि वकार को हम इस व्लॉग में गिफ्ट भी देंगे और बहुत सारी चीजें सरप्राइज भी देंगे। और सरप्राइज इतना शॉकिंग होगा कि किसी को भी इसके बारे में नहीं मालूम ना अंदाजा। सिर्फ शरियार को मुझे पता, किसी को भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। तो ये सरप्राइज देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत कीमती सरप्राइज होने वाला है। साथ साथ आपको वकार शाही का भी दिखा देंगे, फोटो सेशन हो रहा है वकार शाही का। जी जी बिल्कुल, दिखाएं शरियार वकार शाही का फोटो सेशन, दिखा देंगे वकार शाही क्या कर रहे हैं। स्टाइल देख रहे हैं आप शाही का? जी शाही, कैसी पिक्चर आई है? पिक्चर बहुत जबरदस्त आई है, दिखाएंगे आपको। ओए होए होए, कोयले हैं जो कि पोजीशन पूरी बना के बैठे हैं कि जैसे ही खाना हम स्टार्ट करने का कहें और ये स्टार्ट करते हैं खाना खिलाना। ये देखें, आह जब ये बनेंगे मज़ा ही आ जाएगा, वाकई ज़बरदस्त। भाई किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? हैं कुछ बोलेंगे कैमरे में? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जब रस्म शुरू होगी हम शुरू कर देंगे। जी सितार भाई, क्या हाल आते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अच्छे हैं माशाल्लाह, मुबारक हो सबको। आपके बेटा माशाल्लाह से शादी शुदा होने वाला है, आज भी जुमे को होगा करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नया सफ़र है वकार शाही के लिए, ये अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से एंजॉय करें, अच्छे अच्छे काम करें ज़िंदगी में और अच्छे हम सफ़र को जो है समझे। आमीन आमीन। ये माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। और वकार शाही की आप खुशी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने वो खुश हैं। और कुछ और चीज़ें हैं आपको इंशाल्लाह बहुत खुशी मिलेगी, वो हम प्रोग्राम के लास्ट या एंड बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सरप्राइज था वो बताएंगे। सरप्राइज असल में था क्या वो? बिल्कुल, वो बिल्कुल क्या है? ये जो मेहमान है ना हमारे, जो इतने तैयार होके आए हैं, ये स्पेशल गेस्ट हैं, ये नवाबशाह से आए हैं मेहंदी अटेंड करने के लिए। जी असलम, क्या बोलना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कहता हूँ कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ शादी में, जो कि अभी देख रहा हूँ इतना मज़ा आ रहा है। एज अ गेस्ट हमारे पास आए थे और फोटो शूट भी जो है खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बुला रहे हैं आज भी और वकार फोटो शूट के लिए, तो चलते हैं फोटो शूट की तरफ। ये देखें पहले से आके खड़े हो चुके हैं दोनों। खड़े से होना ऐसी बात है, पहले आए पहले शूट होगा ना, आप लोग व्लॉग में पहले आए पहले पाए, वही वाला केस है। पहले पाए वकार, ये गलत बात है। मुल्तान वाला व्लॉग तो आपने देखा होगा और अरसलान भाई को भी लाजमी देखा होगा, तो ये वो बहनोइयां हमारे जो हमें मुल्तान घुमाया था। ये कुकू है, कुकू जो सबको परेशान करके रखता है। ये कुकू है और कुकू जो है ना बड़ा एंजॉय कर रहा है। हेलो कर रहा है इस शख्स को, अंदर एंट्री के लिए हर बंदा लड़ रहा है कि मुझे आगे आना, मुझे आगे आना, परेशान है कि क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वीडियो जो है वो बहुत केयरफुली बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरे में आने से मना करते हैं इस वजह से, तो इग्नोर कीजिएगा। ये जो वकार को अंदर लाने के लिए हर बंदा लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मसला ये कि वकार है बंदी हमारे फैमिली मेम्बर, सबकी लड़ाई और सबकी हाइट छोटी है, सब कह रहे हम आगे आएंगे हम आगे आएंगे। अच्छा, मिला के वकार की सिस्टर आगे आई, तो इन्वाइट तो आपको भी किया गया था ना कि आप जाके उसको पकड़ना, तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन आप लोग बाद में बताऊंगा। क्या बताया, क्या बताया? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा बंदे में कैसे दाता थे। बिल्कुल ऐसे ही, आपका कद वैसे छोटा ही है उससे, तो नहीं उससे क्या छोटा, लेकिन हाथ ऊपर तक मेरा चला जा सकता था। बिल्कुल, एक बात मैं और कहूँगा कि हमारे फोटोग्राफर भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मिसाल पेश होती है कि इमरान खान कदम बढ़ा उनके बाद स्टेज तक के पहुंच चुके हैं शाही को लेके। वकार की रस्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। वकार क्या खाओगे यार? केक तो लाए नहीं, रस्म कैसे कराओगे? केक तो घर पर है। खूबसूरत तरीन बंदा आ रहा है, ओए ओए इसकी स्माइल ले गया बेटा, केक स्माइल ले गया, केक केक एडिशाम गुदगुदी करिए इसको, देख आहद हसने चाबी दे दी। फ्रंट पे कैमरा कर लिया करें, इस तरह आप उल्टा कैमरा करके अपनी फोकस बढ़ा रहे हैं ना। वकार के पास पैसे जमा होना स्टार्ट हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, कब आई आप? हैं देखें देखें, ये बच्चा जो है ना सबको तंग करके एंड में रो रहा है। अभी आज नींदों में है इसलिए बात नहीं कर रही। ये जो है हमारी वाहिद दादी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लंबी उम्र दे। हमें वकार को क्या बोलना चाहेंगी इस खुशी के लम्हात पर? हैं क्या बोलेंगे वकार को? प्यारा सा पोता। अच्छा हाँ।
इसके चेहरे खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आमीन आमीन। कार जो इतना खुश है उसकी वजह क्या है? वो जो नोट जा रहे हैं, इसलिए नोट आ रहे हैं, एनवेलप आ रहे हैं। यार जो बंदा आ रहा है हर कोई एनवेलप लेके आ रहा है। अब एनवेलप में खुशी अलग से हो सकती है, अब वो क्या हो सकता है, 100,000, 5,000 कुछ नहीं पता। तो जब जो आ रहे वकार को केक खिला रहा, खुशी उसकी नहीं हो रही। जब वो एनवेलप रखता है ना वो बाउल के अंदर, वकार स्माइल भागो भाग हो जाता है वकार। यानी कि सारी जो खुशी एनवेलप की है। बिल्कुल, अभी आपको हम डेमो करवाते हैं। बारबेक्यू का सेटअप जो है लग चुका है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे वकार को? दुआएं है बस, दुआएं बताने की नहीं होती, बस दुआएं कर देते हैं। बहुत मुश्किल हो गया वीडियो बनाना, कोई ना कोई पीछे से गुजर जा रहा है। दोबारा बोले, ये तो पाकिस्तानी आवाम का मसला है, बस अल्लाह ताला खुश रखे इनको जो भी मुश्किल है इनके। रियाज भाई ये गलत बात है कि आप 100 ऑफिशियल्स को छोड़ दिया, वकार भी अकेले हैं और आप भी। मेरे साथ करनी चाहिए थी आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है। तो मैंने क्या कहा था, मैं मैरिड हूं, ऐसा ही है, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि वकार भी अलग होने वाला है मुझसे। वकार बस कुछ दिनों में इंशाल्लाह परसों हो जाएगा। शेरी के लिए तो मामला चल ही रहा है, शेरी के मामला बहुत हाई लेवल के, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। यानी कि 100 पाकिस्तान टूटने वाला है? टूटने वाला नहीं है, फिर वो इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन बाद बताएंगे हम क्या होने वाला है। अच्छा, यानी कि मेरे लिए भी कोई सरप्राइज है? सरप्राइज आपके लिए, सबके लिए है, सबके लिए जितने। हाँ वकार, सबके लिए ऐसा ही है, मुझे भी ऐसे लग रहा है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तक। मेरे साथ करेंगे ना फिर आप? बिल्कुल करेंगे। फिलहाल मुझे भूख लगी, मैं केक खा लूँ थोड़ा सा। केक खा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। शाही को खिलाए केक? शाही को तो खिलाए थोड़ा सा केक, चेक कर लो अच्छा है या नहीं है। हाँ कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजेदार, बहुत ही आई थी। आप देख सकते हैं शाही ने आधा केक खा लिया। अबे वकार अल्लाह माफ करे यार, वैसे ही तेरा पेट निकल रहा है उसके बावजूद केक खा रहा है यार। वकार से ज्यादा सरप्राइज देने में मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वकार के रिएक्शन देखने के वकार कितना खुश होता है। वकार क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इसमें? क्या देंगे? बहुत वीआईपी गिफ्ट लेकर आए, बहुत बेहतरीन गिफ्ट। नो आईडिया क्या होगा, फिर भी कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे हमसे। यार देख रहे हैं आप सब के इसने कितना छोटा सा एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इसमें से एक नाम होगा, और कुछ बड़ा थोड़ा। हम आज सुबह से लेके शाम तक के परेशान रहे, कहते थे अरेंजमेंट वगैरह वकार के। सुबह से शाम तक यही सोचते रहे कि इसको रिप्रेजेंट कहते करना, वकार का नाम है इसमें। और बड़ा सोचो, थोड़ा सा और यार माइंड ब्रॉड करो, थोड़ा बड़ा क्या है इसमें, सुबह पिक्चर हो। चले इसको खोलते हैं, चले खोलते हैं, सब देखिएगा कि इसमें क्या है। अच्छा टूट ना जाए, अच्छा शॉपर देख के शॉपर टूट ना जाए। आई होप सो कि हम ये यूनिक लेके आए, अब हो सकता है। ओह माय गॉड, डिजाइन बाय मिस्टर अयाज। वकार शाही से पहले रिएक्शन लेंगे कि वकार शाही पढ़ के सुनाएंगे ये क्या। वकार शाही ऊंची आवाज से तेज। गिफ्ट स्पॉन्सर्ड बाय शेरियार एंड अयाज, वी गिव यू मेहंदी एक्सेप्शन अरेंजमेंट्स, हाउ डिड यू लाइक दिस सरप्राइज? आई रियली लाइक इट। तो कैसे लाइक इट? खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पाकिस्तान और स्पेशली शेरियार और अयाज भाई की तरफ से ये पूरा हम रिस्पॉन्ड करते हैं। वकार अरेंजमेंट टोटल जो है क्या शेरियार और मेरी तरफ से वकार को गिफ्ट देगा शादी का, तो वकार थोड़े से अच्छे अपने रिएक्शन दो ना, कैसा लगा? तो सादे सादे रिएक्शन दे वाले मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड। वकार ने हमसे एक्सपेक्ट इतना छोटा किया हुआ था कि इसमें बस नाम या पिक्चर होगी। यार नाम तो है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। मेरा नाम मेहंदी होगी। हमारे बहुत सारे गेस्ट जो है वो कैमरे में नहीं आ सकते, वरना उनके भी रिएक्शन लेते हैं हम कि उनको भी कैसा लगा ये हमने जो सरप्राइज दिया। कैमरे में लेके आए तो घर में कॉपीराइट लग जाएगा। जब तक खाना चलेगा ये ऐसे ही पकड़ के रखेंगे। इसका सबको शिद्दत से इंतजार होता है, वो काम स्टार्ट हो गया। बशीर अहमद रोटी खुल गई है। मुझे भी बहुत खतरनाक भूख लग रही है, तो वाकई मुझे भी बस ये भूख पता है, खुशबू से भूख बना था बिल्कुल। कबाब वकार को टेस्ट कराने की बारी है। वकार कैसा है?
मजेदार पहले कभी ऐसा मैंने कबाब नहीं खाया मजे आ रहे मजे। देखिए ये वो शख्स है जो मैनेजमेंट में था वकार की तरफ से और वक्त की नजाकत देख के स्टार्ट हो गया खाना। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, मैं खाना नहीं चाह रहा था पर मेरी मिसेज मुझे बहुत फोर्स कर रही थी, इस वजह से मैं आगे बैठा हूँ। अल्लाह पाक आपकी मिसेज की तरह हर किसी को मिसेज दे, बहुत जल्दी मिसेज दे। ये कोई मेरे मतलब की बात थी? बिल्कुल मतलब की बात थी, साथ साथ पूरा फायदा है। ये देखे निकाला कितना ज्यादा है।